वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी फेमस फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं सभी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे। देखिए, वैसे तो मैं मानता हूँ 1947 से पहले जितने भी भारत के लोग थे सभी के सभी फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड आपका एग्जाम सीधे 2018 आने वाला है, रेलवे का एग्जाम आने वाला है, इसलिए चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमारी वीडियोस को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, बस यही आपकी फीस है। और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं। और आगे वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। सबसे पहले कर रहे हैं मंगल पांडे ऑन सिपाही ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री स्टेशन एट बैरकपुर के लेफ्टिनेंट। 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने बैरकपुर के अंदर एक लेफ्टिनेंट की हत्या की थी, वो डेट आपको बतानी है। 29 मार्च 1857 को जो है इन्होंने लेफ्टिनेंट की हत्या की थी। ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस जिसे 1857 सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उसके शुरुआत करने वाले, ठीक है, चिंगारी जलाने वाले आप कह सकते हो मंगल पांडे जी को जाना जाता है। इनका जन्म 1857 के अंदर उत्तर प्रदेश में जो है बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर नागवा में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु 8 अप्रैल 1857 काफी यंग एज में, एज 29 के अंदर इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। ये वो राइफल है, राइफल का नाम है इनबिल्ट राइफल। जो राइफल इन्होंने चलाने से मना कर दिया था जो सारे विद्रोह की जड़ थी। एक्चुअली ये पूर्ण ब्राह्मण थे और इस राइफल के अंदर जो कारतूस यूज की जाती थी उनका जो कवर होता था आप सभी जानते हैं वो गाय के मांस कह लीजिए, सूअर के मांस से बना होता था, जिसे मुंह से काट कर जो कारतूस राइफल के अंदर भरना होता था। ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर एंड मार्टर ऑफ 1857। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एट्रोसिटीज अगेंस्ट इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी। तो और 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दे दी गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं श्री भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। भीमराव अंबेडकर जी जो एक महान ज्यूरिस्ट थे, स्टेटमेंट से सोशल रिफॉर्मर थे और लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास थे। इनका जन्म 1891 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। तो इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको सीधा बता देता हूँ फैक्ट के रूप में, जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि कौन सी कास्ट से जो है अंबेडकर जी बिलोंग करते थे जिसे अनटचेबल माना जाता था, तो महार कास्ट से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, अब पहले ऐसे महार कास्ट के व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था। ठीक है, तो इनसे जुड़ा एक फैक्ट है कि विच फैक्ट इज रिलेटेड विद एडमिशन टू बॉम्बे यूनिवर्सिटी। जो इन्होंने एडमिशन लिया था एलिफिंस्टन कॉलेज के अंदर, ये पहले ऐसे अनटचेबल थे जिन्होंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो कॉलेज कौन सा चुना था इन्होंने, एल्फिंस्टन कॉलेज। वेयर डिड महाराजा ऑफ गायकवाड सेंड हिम फॉर हिज हायर स्टडी। हायर स्टडी के लिए महाराजा ऑफ गायकवाड ने जो है अंबेडकर जी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क भेजा था। बैरिस्टर ये बने थे लंदन से वर्ष 1922 में ये बैरिस्टर बन गए थे, इनके वकील बन गए थे। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया महाराज जी से अनटचेबल माना जाता था और फर्स्ट ग्रेजुएट थे अपनी कास्ट के। तीनों के तीन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों के तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने भाग लिया था। पूना पैक्ट जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था उनके लिए भी इनको जाना जाता है। गांधी जी जो पूना पैक्ट था बेसिकली वो क्या था, मैं थोड़ा सा बस आपको इसका ब्रीफ बता देता हूँ। एक्चुअली में जो अंबेडकर जी थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर उसने अंग्रेजों के सामने मांग उठाई थी कि जो दलित हैं उनके लिए एक अलग से पृथक निर्वाचक निर्वाचिका होनी चाहिए, या कह लीजिए सीधा सीधा इन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मांग की थी, सीधा मुद्दा आप ये समझ लीजिए। तो 1932 में जो है अंग्रेजों ने इनकी मांग को स्वीकार कर दिया था और एक अलग से निर्वाचिका देने की घोषणा कर दी थी। इस बात से जो गांधी जी नाराज हो गए थे, उन्होंने माना कि ये जो अलग से निर्वाचिका जो है इनको दी गई है ये हमारे समाज को तोड़ने का काम करती है। तो इसीलिए गांधी जो है जेल के अंदर, ये सेंट्रल जेल थी पुणे के अंदर, उसमें जो है फास्ट पर
व्रत पर आप कह लीजिए बैठ गए, तो गांधी जी की फास्ट के कारण जो हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई थी। तो इस बात से जो है श्री अम्बेडकर जी घबरा गए, उनको लगा कि यदि गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उनके समर्थकों द्वारा जो हत्याएं की जाएंगी, ठीक है, लोग डिप्रेस्ड क्लास के लोगों की, तो वो उस चीज से घबरा गए और उन्होंने जो अपना जो डिसीजन था अलग से पृथक निर्वासित का वो वापस ले लिया, ठीक है। और ये जो पूना पैक्ट जो है इन दोनों के बीच में हुआ था, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बताया। वैसे जो है आपको पढ़ना है तो आप, मैं चाहूंगा कि आप जो इसको डिटेल में पढ़े। वैसे तो हम जितने भी यहाँ पर फ्रीडम फाइटर डिस्कस कर रहे हैं सभी की जो है बायोग्राफी लिखी जा चुकी है यहाँ पर, देखिए हम सिर्फ इनको स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली में सभी फ्रीडम फाइटर के ऊपर एक या दो बुक जो आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर, इतने इन्होंने जो है काम, इतनी अचीवमेंट इन लोगों की है हमारे देश के अंदर, इतना कंट्रीब्यूशन इन लोगों का है हमारे देश के अंदर जिनके बारे में हम पढ़ रहे है। यहाँ पर ही ऑर्गेनाइज द इंडियन लेबर पार्टी जो इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड पीपल फेडरेशन सोसाइटी जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। तो ये सारी की सारी जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा भीमराव अम्बेडकर। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे जुड़े हम डिस्कस कर लेते हैं। मैगजीन बाबा राव अम्बेडकर ने जो पब्लिश की थी वो थी मूक नायक, जिसे इंग्लिश में बोले म्यूट हीरो। व्हेन डिड डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्ट द पब्लिकेशन ऑफ बहिष्कृति भारत, बहिष्कृति भारत का पब्लिकेशन इन्होंने अप्रैल 3, 1927 को किया था। प्रोफेसर कब बने थे लॉ कॉलेज के, ये वर्ष 1928 में। व्हेन डिड बाबा साहेब बिकम द मेंबर ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के मेंबर ये कब बने थे, वर्ष 1928 में। व्हेन वाज हिज पोर्टफोलियो जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट, जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट बनी थी उसमें ये कानून मंत्री थे। तो ये आप कह सकते हो देश के पहले कानून मंत्री भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विच पॉलिटिकल पार्टी डिड ही फॉर्म, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है इन्होंने बनाई थी, इन्होंने बनाई थी समता सैनिक दल, समता सैनिक दल जो पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बनाई थी। बिटवीन हुम एंड व्हेन डिड पूना पैक्ट अकर, मैंने अभी आपको बताया पूना जो समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच वर्ष 1972 में हुआ था, जो अंग्रेजों के द्वारा अम्बेडकर की मांग थी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, उसको स्वीकार कर लिया गया था। एक अलग से पृथक निर्वाचिका इनके लिए घोषित कर दी गई थी। इसके कारण जो है महात्मा गांधी जी ने जो है पार्ट रखा था पुणे की रोहड़ा जेल के अंदर, माना था कि ये जो निर्णय है ये समाज को बांटने का काम करता है, अंग्रेजों द्वारा जो लिया गया है। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप सभी जानते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे, ये कितनी बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन थे वो थे भीमराव अम्बेडकर जी। 1947 से लेकर 1951 तक नेहरू की जो कैबिनेट थी उसमें ये लॉ मिनिस्टर रहे थे, ठीक है। और कौन से धर्म के फॉलोवर थे, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो ये बुद्धिज्म जो है इन्होंने धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म के ये प्रचारक भी आप इनको बोल सकते हैं, अपनी जो है लाइफ के अंतिम दिनों में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट हम करते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड बाय द ब्रिटिश टू बी द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ब्रिटिशर्स फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे मानते थे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सो ब्रिटिशर्स थे जो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट मानते थे लोकमान्य तिलक जी, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। इन विच लैंग्वेज वॉज केसरी अ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, पब्लिश केसरी न्यूज़पेपर था जो बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था, कौन सी लैंग्वेज में, वो था मराठी, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। थोड़ा सा इनके जीवन पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, इनका जन्म वर्ष 1856 में महाराष्ट्र के अंदर हुआ था और वर्ष 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी मुंबई के अंदर। ये पुणे में एक जर्नलिस्ट थे, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया केसरी अभी हमने न्यूज पेपर पढ़ा जो मराठी लैंग्वेज में जो केसरी न्यूज पेपर था उसमें ये काम करते थे। इंग्लिश लैंग्वेज का जो न्यूज पेपर था वो था मराठा। Who founded the Deccan Education Society to impart teaching about Indian culture to India's youth? Deccan Education Society के founder के तौर पर जो है लोकमान्य तिलक जी को ही जाना जाता है। Option two है इसका right answer। ये भी exam में काफी बार पूछा जा चुका है। Whose death coincided with launch of the non-cooperation of movement in 1920? जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके मृत्यु वर्ष 1920 में हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर है लोकमान्य तिलक।
whose death coincide with the north of non-cooperation movement. Option 2 है इस प्रश्न का राइट आंसर. नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा और जानकारी हम जान लेते हैं. He fought the moderate measures of Gopal Krishna Gokhale and advocated resistance to British rule. He was arrested in 1897 by the British and imprisoned for 18 months in his Bengal jail. बाल गंगाधर जो तिलक थे आप सभी जानते हैं. बाल पाल लाल में जो बाल है वो इन्हीं के नाम को जो है शो करता है. और गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी. 1907 में जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट विंग था पार्टी का उसको लीड किया था बाल गंगाधर तिलक. बिपिन चंद्रपाल इज नोन एज अ डैश इन इंडिया. बिपिन चंद्रपाल को इंडिया में क्या जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन ट्रेडिंग, फादर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स, फादर ऑफ सोशल थॉट. तो बिपिन चंद्रपाल जी हैं इन्हें फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट के नाम से भी जाना जाता है. बिपिन चंद्रपाल का प्रोग्राम था उसमें क्या कहता था, स्वदेशी बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन, ये तीनों मुद्दे थे उनके प्रोग्राम में. ठीक है, स्वदेशी को बढ़ावा देना और जो विदेशी है उन वस्तुओं का बहिष्कार करना. इनका जन्म वर्ष 1858 में हबीबगंज साइलेंट रीजन जो अभी बांग्लादेश में पड़ता है और इनकी मृत्यु वर्ष 1932 में कोलकाता में हुई थी. फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी थॉट के तौर पर भी जो है बिपिन चंद्रपाल जी को जाना जाता है. जैसा मैंने अभी आपको बताया था बाल पाल ला, तो उसमें से जो पाल है वो बिपिन चंद्र के पाल बिपिन चंद्रपाल के नाम से नाम को शो करता है. ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान प्रसारक मंडली, एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एजुकेशन ऑफ एडल्ट वास फॉर्मड बाय. ज्ञान प्रसारक मंडली किसने ऑर्गेनाइज की थी, किसने बनाया था ज्ञान प्रसारक मंडली को? तो ज्ञान प्रसारक मंडली को ऑर्गेनाइज किया था श्री दादाभाई नौरोजी. ऑप्शन 3 है इसका राइट. दादाभाई नौरोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ एलिफेंटस्टोन कॉलेज. ये आपका प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है. इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम में भी आपका प्रश्न पूछा जा चुका है. एसएससी में भी आपका प्रश्न पूछा जा चुका है. तो दादाभाई नौरोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड एज प्रोफेसर एट एलिफेंटस्टोन कॉलेज इन मुंबई. और कई प्रश्नों में आपसे जो है पूरा कॉलेज का नाम पूछ लिया जाता है कौन से कॉलेज में, एलिफेंटस्टोन कॉलेज इन मुंबई. दादाभाई नौरोजी के जीवन पे हम यदि हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो मैं बात करूं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जो इनको जाना जाता है. इनका जन्म 1825 में मुंबई में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु वर्ष 1917 में 91 साल के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी. आप जानते हैं जो दादाभाई नौरोजी थे वो कॉटन ट्रेडर भी थे, कॉटन कपास के व्यापारी भी थे आप ऐसे कह सकते हैं. इसके अलावा एक पारसी इंटेलेक्चुअल एजुकेटर और अर्ली इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर थे. सबसे इम्पोर्टेंट जो इनको जाना जाता है इन्होंने लिखी थी बुक पॉलिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इन्होंने बताया था जिसमें थ्योरी इन्होंने दी थी ड्रेनेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मीन्स कैसे जो है ब्रिटिशर्स हैं जो इंडिया का पैसा अपने देश में ले जा रहे हैं. ठीक है, ये थ्योरी इन्होंने अपनी इस बुक में रखी थी पॉलिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इनसे जुड़ा फैक्ट है, ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स बिटवीन 1892 एंड 1895. पहले ऐसे एशियन बने थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स. ये भी आप नोट कर लीजिए. और जो कांग्रेस का फाउंडर के तौर पर ए ओ ह्यूम तथा डिस्चो एड्यूजी वॉचा के साथ इनका नाम भी आता है नौरोजी जी का. कांग्रेस को फॉर्म किया गया था 1885. पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म में वर्ष कलकत्ता जो सेशन हुआ था वर्ष 1906. हितवाड़ा द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन 1911 वाज इनिशियली पब्लिश्ड फ्रॉम. हितवाड़ा जो न्यूज़पेपर था गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा वर्ष 1911 में स्टार्ट किया गया था. तो कहाँ से छपता था ये? हितवाड़ा जो न्यूज़पेपर था ये छपता था नागपुर. गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी जिनका जन्म वर्ष 1856 में
हुआ था और इनकी मृत्यु वर्ष 1915 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट लीडर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इज ऑल्सो सर्व एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड काउंटेड द फेम्ड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कितनी बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। In 1905, who founded the Servant of Indian Society aimed at promoting education, sanitation, healthcare as well as finding social aid. The Servant of Indian Society था, उसका मुख्य उद्देश्य जो है एजुकेशन क्षेत्र में सुधार करना, सैनिटेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, हेल्थ केयर की पॉलिसीज को सुधारना और सोशल सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वर्ष 1905 में श्री बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी, लाल लाजपत राय, कौन सा आंसर होगा आपका, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, एट द एज ऑफ 18 ही सिक्योर्ड अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एलिफेंटस्टोन कॉलेज। एलिफेंटस्टोन कॉलेज जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 18 साल की उम्र में इन्होंने बैचलर डिग्री जो हासिल कर ली थी। उसके बाद जो है इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ज्वाइन किया। 22 साल की उम्र में ये सेक्रेटरी बन गए फेमस सार्वजनिक सभा के। उसके बाद जो है ये आल्सो बिकम प्रोफेसर एट फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर बने और वर्ष 1891 में फिर ये सेक्रेटरी बने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और एक बात और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, 1898 से लेके 1906 तक गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ मेंबर ऑफ द पूना म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। ही सर्वड एज इट्स प्रेसिडेंट इन 1902 से लेकर 1905 तक जो है पूना म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट रहे। काफी सुधार जो है इन्होंने इस पद पर रहते किए और 1899 में ये इलेक्ट हुए टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1895 में मैं बात करूं गोपाल कृष्ण गोखले वाज चोजन सेक्रेटरी टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सेक्रेटरी के पद पर चुने गए। इन द सेम ईयर ही वाज इलेक्टेड टू द सेनेट ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अभी मैंने आपको बताया था 29 ईयर के थे जब ये पूना म्युनिसिपैलिटी में प्रेसिडेंट के पद पर जो है इन्हें चुना गया था। और वर्ष 1912 की बात करें जो है इन्होंने साउथ अफ्रीका का भी दौरा किया था, जहाँ पर ये महात्मा गांधी जी से मिले। Who was elected as the president of All India Trade Union Congress in 1920? All India Trade Union Congress 1920 के पहले president थे, वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। लायंस ऑफ पंजाब कहे जाने वाले लाला लाजपत राय जी का जन्म 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। उन्होंने इंडियन होम लीग सोसाइटी ऑफ अमेरिका स्थापित की, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे वर्ष 1920। ही वाज द वन ऑफ द फॉरमेस्ट लीडर फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए वर्ष 1928 में जो साइमन कमीशन के दौरान जो विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था और उसमें जो लाठी चार्ज हुआ था उस लाठी चार्ज में ये काफी बुरी तरीके से जो है घायल हो गए थे और उनकी जो है बाद में मृत्यु हो गई थी। जो लाला लाजपत राय जी थे आप सभी जानते हैं गरम दल के नेता थे, तो जाहिर सी बात है जो उस समय के फ्रीडम फाइटर थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सभी फॉलोवर थे, ये मेंटर मानते थे लाला लाजपत राय जी को। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, और इनकी मृत्यु के कारण जो है आप कह लीजिए सारा देश उत्तेजित हो गया और जितने भी ये क्रांतिकारी थे हमारे, इनकी मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर थे जो सांडर्स, उसको गोली से उड़ा दिया। और इस केस में कौन कौन दोषी हुए थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो बाद में इनके लोगों फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पंजाब केसरी या फिर रॉयल्स ऑफ पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था यंग इंडिया। लाला लाजपत राय डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द विजिट। किसके विद्रोह में जो है ये शामिल हुए थे, किसके अगेंस्ट जो विद्रोह हो रहा था वो किसके अगेंस्ट हो रहा था, वो हो रहा था साइमन कमीशन के अगेंस्ट, ठीक है। उसमें इन्होंने भाग लिया था और उसमें जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें हुए जख्मों के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इन विच ईयर
वॉज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की थी? वर्ष 1916। उस समय वर्ष 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 1861 में अलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु वर्ष 1946 में वाराणसी में हुई। और इन्हें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ही इज रिमेम्बर्ड इन द वर्ल्ड एज द फाउंडर ऑफ एशियाज लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एट वाराणसी। कौन सी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और 1919 से लेके 1938 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद के तौर पर भी रहे। ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ स्काउटिंग इन इंडिया। स्काउटिंग इन इंडिया के फाउंडर के तौर पर भी जो है मदन मोहन मालवीय जी को जाना जाता है। और इनका न्यूज़पेपर था इंग्लिश न्यूज़पेपर द लीडर, जो कि अलाहाबाद से छपता था। इससे जुड़ा एक प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, फ्रॉम विच प्लेस डिड मदन मोहन मालवीय पब्लिश हिज फेमस न्यूज़पेपर लीडर द लीडर। द लीडर कौन सी लैंग्वेज में छपता था? इंग्लिश में। अभी हमने पढ़ा कहां से छपता था? अलाहाबाद। तो ऑप्शन वन है इसका राइट। जो डेलीगेट गया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसमें जो है मदन मालवीय भी थे। वॉज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स फ्रॉम 1924 to 1946। 1924 से लेके 1946 तक ये है हिंदुस्तान टाइम्स के चेयरमैन भी रहे थे। और आप सभी जानते हैं श्री मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया था। कब? 24 दिसंबर 2014। इन 1970 एनी बेसेंट वाज इलेक्टेड हेड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1970 में एनी बेसेंट को जो है प्रेसिडेंट चुना गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और वर्ष 1913 में एनी बेसेंट फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज हाई स्कूल है। ठीक है, जो लास्ट का समय था एनी बेसेंट का उनके जीवन का, लास्ट के समय में जो है बनारस को अपना घर मानती थी, तो वहां पर उन्होंने जो वर्ष 1913 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज हाई स्कूल की स्थापना की थी। एनी बेसेंट जिनका जन्म लंदन में हुआ था 1847 में और इनकी मृत्यु 1933 में कर्नाटका में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग के फाउंडर के तौर पर जो है एनी बेसेंट को जाना जाता है। ये दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे जा चुके हैं। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी जो है इन्होंने काफी हिस्सेदारी, काफी अहम भूमिका निभाई, जिसके इनके रोल के कारण जो है इनको काफी प्रशंसा मिली महात्मा गांधी की तरफ से और उनके जो कंटेम्प्रेरी समय जो है फ्रीडम फाइटर थे सभी की तरफ से। तो एनी बेसेंट स्टार्टेड अ जर्नल, इन्होंने एक जर्नल भी शुरू किया था जिसका नाम था न्यू इंडिया। तो ये मैंने तीन प्रश्न आपको बताए, थियोसॉफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग और न्यू इंडिया, और एक मैंने आपको बताया एनी बेसेंट इलेक्टेड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो ये जो मैंने आपको चार प्रश्न बताए हैं ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं एनी बेसेंट, तो इनको आप नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरी आशा है कि आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी आपसे प्रश्न जरूर पूछे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक महान कवि के तौर पर जो इनको जाना जाता है। ठीक है, हमारा नेशनल सॉन्ग जो लिखा था इसमें लिखा था श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका जन्म 1838 में और इनकी मृत्यु 1894 में कोलकाता में हुई थी। तो इनके फेमस जो नॉवेल्स हैं जैसे कि रजनी, चंद्रशेखर, मृणालिनी, ठीक है, ये इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं। देवी चौधरानी, ठीक है, ये इनके फेमस नॉवेल हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था जो नेशनल सॉन्ग जो हमने अडॉप्ट किया था ये इन्होंने लिखा था आनंदमठ में, इनका नॉवल था आनंदमठ 1882 में इन्होंने लिखा था। सो हिज फेमस नॉवल एज हिज फेमस नॉवल वाज आनंदमठ 1882 में जो इन्होंने लिखा था। आनंदमठ कंटेन्ड द सॉन्ग वंदे मातरम हेल टू थी मदर, से बाद में हमने नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी डिड फेमस फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद बिलोंग। चंद्रशेखर आजाद जो है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? वो करते थे इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन फोर्स। ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन फोर्स।
चंद्रशेखर आजाद की मैं बात करूं तो काफी यंग एज में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनका जन्म 1906 में हुआ था और मृत्यु इनकी वर्ष 1931 में हुई थी। एक्चुअली में क्या था, इन्हीं के एक साथी ने इनको धोखा दिया था, जिसकी वजह से जो इनको एक फार्म में घेर लिया गया था और वहां पर जो है अंग्रेजों के, जैसे कि मैंने आपको बताया था 27 फरवरी 1931 बिट्रेड बाय वन ऑफ हिज एसोसिएट, उन्हीं के साथी ने इनको धोखा दिया। एल्फ्रेड पार्क के अंदर इनको घेर लिया गया अलाहाबाद के अंदर। ठीक है, वहां पर ये अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई भी की, बट जब इनको घेर लिया गया तो इनके पास कोई चांस नहीं बचा, तो इन्होंने खुद को ही गोली मार ली। ये नहीं चाहते थे कि ये अंग्रेजों के हवाले। फिर हुआ अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के तौर पर किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के तौर पर जाना जाता है खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान और सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 1890 में हुआ था और मृत्यु 1988 में पेशावर पाकिस्तान में हुई। ठीक है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगर, खुदाई खिदमतगर जिन्हें रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था जिसका नाम था पख्तून। 1987 में इन्हें भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, नेताजी के नाम से जाने वाले, दिल्ली चलो का नारा देने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जादू दूंगा का नारा देने वाले श्री सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म वर्ष 1897 में कटक में हुआ था और इनकी मृत्यु 1945 में 18 अगस्त एक प्लेन क्रैश में हुई थी। ठीक है, ये इनकी मृत्यु सपोज की जाती है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इनकी मृत्यु उस प्लेन क्रैश में हुई थी। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम इसके बारे में जान लेते हैं। 23 साल की उम्र में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन जब गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया तब इन्होंने जो है सिविल सर्विस छोड़ दी। हु इज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस जी थे जो अपना पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास जी को मानते थे। ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। फादर ऑफ नेशन वॉज गिवन टू महात्मा गांधी बाय, टाइटल जो था फादर ऑफ नेशन का महात्मा गांधी को किसने दिया था? महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वर्ष 1938 में ये प्रेसिडेंट चुने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, अलीपुरा सेशन जो हुआ था, और 1939 में जो त्रिपुरा सेशन था उसमें भी प्रेसिडेंट चुने गए थे, लेकिन गांधी के साथ चलते डिफरेंस के चलते इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था और बाद में इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1941 में ये बचकर बर्लिन भाग गए थे और वहां पर ये हिटलर से मिले। वर्ष 1943 में इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर का चार्ज संभाला और इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की और बाद में इन्होंने नारा दिया दिल्ली चल। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने नारा दिया था जय। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। डू और डाई वॉज वन ऑफ मोस्ट पावरफुल स्लोगन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। डू और डाई जो पावरफुल स्लोगन का नारा किसने दिया था? आप सभी जानते हैं डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। फादर ऑफ नेशन राष्ट्र पिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 1869 में और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। नथुराम गोडसे को जो है इनकी हत्या का जिम्मेदार माना जाता है, उन्होंने 3 गोलियां चलाई थी महात्मा गांधी के ऊपर 30 जनवरी 1948 में। तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ फर्स्ट सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट वो भी चलाई जो उन्होंने किया था, पहला सत्याग्रह 1906 में साउथ अफ्रीका में प्रोटेस्ट अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस। फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया की मैं बात करूं वर्ष 1917 में इन्होंने किया था चंपारण बिहार में, जब ये 1915 में भारत आए थे उसके बाद इनका पहला सत्याग्रह था वर्ष 1917 में चंपारण बिहार के अंदर। उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है जहां पर गांधी जी को ह्यूमिलेट इनकी बेइज्जती की गई थी और इन्हें स्टेशन से रेल से उतार दिया गया था, तो वो था पीटर मिट्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका इन 1917। विच वीकली न्यूज़पेपर वॉज एस्टैब्लिश बाय महात्मा गांधी? साप्ताहिक न्यूज़पेपर जो महात्मा गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया था उनके नाम आपको बताने हैं। इंडियन ओपिनियन 1904 में
और फिर यंग इंडिया और नवजीवन। When was Mahatma Gandhi ji returned to India? India कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम 9 जनवरी 1915 को क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। Why abandon the केसरे हिंद by गांधी जी? केसरे हिंद की उपाधि जो इनको दी गई थी इन्होंने लौटा दी थी वापिस, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वर्ष 1919 में, ठीक है, उस घटना के चलते इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि वापिस लौटा दी थी। Which Congress session presided by Gandhi ji? Gandhi ji अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस की सिर्फ एक बार लाइफ में, वर्ष 1924 में बेलगांव का सेशन जो है इन्होंने प्रिसाइड किया। Who called half naked sedition fakir to Mahatma Gandhi? Half naked strength जो है महात्मा गांधी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। Who was the title? Who was given the title of Gurudev to Tagore? Tagore को गुरुदेव का टाइटल किसने दिया था? महादेव महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा था? श्री रविंद्रनाथ टैगोर। हु इज पॉलिटिकल टीचर ऑफ गांधी जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी कौन है? श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी। हु इज कंसिडर एज स्पिरिचुअल टीचर ऑफ गांधी जी? स्पिरिचुअल टीचर के तौर पर किसे जाना जाता है? लियो टॉल्स्टॉय। व्हेन गांधी जी असैसिनेटेड? उनको असैसिनेट कब किया गया था? 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा? नथुराम विनायक गोडसे के द्वारा। व्हाट वाज कॉल्ड एज पोस्ट डेटेड चेक बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में जो आया था, क्या कहा था? पोस्ट डेटेड। आप सभी जानते हैं जो हर 2 अक्टूबर को हम जो गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं, नेशनल हॉलीडे उस दिन होता है। वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी हम बनाते हैं 2 अक्टूबर। सो ये सीरीज जारी रहेगी मेरी, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतना ही इंस्पिरेशन मिलता है आगे हमें और वीडियो लाने। शुक्रिया इस वीडियो को देखने।